हेलो दोस्तों, आज हम वर्ग की परिभाषा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वर्ग की परिभाषा को जानते हैं। देखिए, वर्ग की परिभाषा वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है कि ए से बी की दूरी ए सेंटीमीटर, बी से डी की दूरी ए सेंटीमीटर और डी से सी की दूरी ए सेंटीमीटर, सी से ए की दूरी ए सेंटीमीटर, यानी कि चारों भुजाएं इसकी समान हैं और प्रत्येक कोण, मतलब कि एक ए पे बना कोण 90 डिग्री का है और तो डी पे भी बना कोण 90 डिग्री का होगा और सी पे भी कोण 90 डिग्री का होगा और बी पे भी कोण 90 डिग्री का होगा। अब आगे चल के इसका वर्ग का परिमाप जानते हैं। वर्ग का परिमाप जानने से पहले हमें परिमाप के बारे में ही पता होना जरूरी है। वर्ग का परिमाप, परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी होती है, यानी कि वर्ग की जो वर्ग है उसके चारों ओर, मतलब एक प्लॉट होता है, उसके चारों ओर की बाउंड्री जो होती है वो परिमाप कहलाती है। मतलब एक घर के चारों ओर की, मतलब एक प्लॉट के चारों ओर की जो बाउंड्री होती है, एक खेत के चारों ओर जो हम मैट बनाते हैं उसकी जो बाउंड्री होती है वो परिमाप कहलाता है। परिमाप कि मतलब परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग का जो फॉर्मूला होता है, उसे जानने के लिए हमने माना कि ए से बी की दूरी ए सेंटीमीटर है, बी से डी की दूरी ए सेंटीमीटर है, डी से ए की दूरी ए सेंटीमीटर, सी से ए की दूरी ए सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग, मतलब चारों भुजाओं का योग, मतलब ए से बी प्लस बी से डी प्लस डी से ए प्लस सी से ए प्लस चारों का योग, मतलब 4a सेंटीमीटर, मतलब कि आप कह सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल लेना चाहिए। एक वर्ग के क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। मतलब कि उसने हमको भुजा दे दी गई है, एक मतलब 3 सेंटीमीटर भुजा दे दी गई है, उसने हमें भुजा दे दी है, हमसे परिमाप पूछ रहा है। वर्ग के, जैसे हम पीछे पड़ गए हैं वर्ग का परिमाप के बारे में, अब उसी को हम यहाँ पर पुट करना है। वर्ग का प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ए बराबर ए से बी की दूरी 3 सेंटीमीटर, बी से डी की दूरी 3 सेंटीमीटर, डी से सी की दूरी 3 सेंटीमीटर और सी से ए की दूरी भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि चारों भुजाएँ 3-3 सेंटीमीटर की हैं, इक्वल हैं, तो यह वर्ग कहला गया, ये वर्ग हुआ। वर्ग का परिमाप क्या हुआ, 4 × भुजा, यानी कि 4 चारों भुजाएं होगी गुणा 3, भुजा 3 थी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3 × 12 या 4 × 3 × 12 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। इसको समझने से पहले, वर्ग का क्षेत्रफल समझने से पहले उसके क्षेत्रफल के बारे में जानना जरूरी है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरा गया, मतलब कि बंद आकृति है उसके द्वारा घेरा गया तल या भाग, तल का भाग या क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब कि हमने जो प्लॉट लिया, प्लॉट की जो बाउंड्री कराई और पास, उसके बीच में जो तल था, उससे द्वार, उसके बीच से जो उसके एरिया से घिरा हुआ क्षेत्र था, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे इसमें येलो बना हुआ डायग्राम में, वो क्षेत्रफल है। इसका हम क्षेत्रफल के जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसकी जो फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, मतलब दो भुजाओं की गुणा, गुणनखंड, मतलब दो भुजाओं का गुणनखंड कह सकते हैं, गुणा कह सकते हैं, जैसे ए इंटू ए या ए का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला, मतलब समझ लें, एक सवाल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, आप समझिएगा, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये आपको पता चल गया। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा इंटू भुजा, मतलब कि आप 4 × 4 × 4, मतलब ये आमने सामने की भुजा समान होगी, इधर साइड की समान होगी 4 × 4, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा 4 × 4 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।